सो हाय फ्रेंड्स, आज हम स्केचर में कमांड टूल्स और कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिज़ाइन में जाके हम पार्ट डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, हम स्केचर में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट में चलेंगे। ये हमारे प्लेन्स हैं एक्स वाई जेड। तो ये हमारा स्केच में जाने के लिए लाइक हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी यूज दिस स्केच और हम स्केच एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो स्केच एनवायरनमेंट में बेसिकली जो टूल बार्स यूज होते हैं वो है एक प्रोफाइल, जिसमें हमारे सारे प्रोफाइल्स आएंगे जो भी हम स्केच ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद हम उसे करेंगे कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट टूल बार है जिसमें हमें ये डायलॉग बॉक्स मिलते हैं कंस्ट्रेंट फिक्स टुगेदर, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ये होता है हमारा व्यू टूल बार, जिसमें हम रोटेट पैन जूम इन जूम आउट नॉर्मल टू प्लेन, हम किसी व्यू को चेंज करना हो उसके अकॉर्डिंगली देखना हो कुछ भी, ये हाइड शो स्वाइप विजिबल स्पेस, मतलब जो भी हमने कुछ यहाँ पे हाइड करके रखा है तो दूसरी विंडो में टॉगल हो जाएगा इसको क्लिक करके। और ऑपरेशंस में आते हैं हम फिलेट चैम्फर ट्रिम मिरर के अंदर भी कमांड्स हैं, तो मैं ये आपको सब कुछ बताऊंगा। ये स्केचर टूल बार है, इसमें ग्रिड ऑन रखना है ऑफ करना है तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अगर आप हाइड कर दोगे तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं लगेंगे इसमें, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल को आप कैसे भी बना सकते हो, लाइक ये स्ट्रेट लाइन है अभी, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट खुद ही लग गया है वर्टिकल, और ये इसको कॉन्सिडेंट उठा लिए यहाँ से इस प्लेन से। ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, प्रोफाइल में जाता हूँ, कोई भी प्रोफाइल बनाता हूँ लाइक ये कंटिन्यूस रहेगा जब तक आप एस्केप दबाओगे नहीं तब तक कंटिन्यू रहेगा ये। तो प्रोफाइल में आप ऐसे काम कर सकते हैं, जब भी इनको कनेक्ट करोगे वो खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा कमांड, डबल क्लिक करोगे तो कमांड एक्टिव रहेगा, ये हो गया अभी भी कमांड एक्टिव है क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया था उस पर। तो जब तक मैं एस्केप नहीं दबाऊंगा तब तक उस कमांड से एग्जिट नहीं हो पाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एस्केप प्रेस करता हूँ मैं तो यहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये हमारा प्रोफाइल कमांड है, इसमें हम सर्कल भी बना सकते हैं, लाइन, जैसे ये लाइन जा रही थी फिर मैंने क्लिक करके ये सर्कल भी इसी प्रोफाइल में बना दिया। तो इसको बनाने का ये एक तरीका है, बताता हूँ। ये लाइन ली, हमें जब ये पॉइंट आएगा ना, जब ये माइनस का वहाँ पे वो सिंबल आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके हमें इसे रोटेट करना है। सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। हाँ जैसे भी ये गया यहाँ पे, आपने अभी यहाँ तक पहुँच गया, अभी यहाँ से आपको एक आर्क चाहिए तो वहाँ पे आप क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके इसे ड्रैग करोगे तो ये सर्कल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आपको प्रोफाइल चाहिए जिस तरह से चाहिए आप कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोफाइल का, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी बहुत से टाइप हैं, ये सिंपल रेक्टेंगल है, ओरिएंटेड है, पैरेललोग्राम है, सिंपल में आते हैं हम पहले। सिंपल में आप कहीं पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहां से ड्रॉ किया तो यहां पे मुझे ये दो इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, तो एक कंस्ट्रेंट मिल गया मुझे। अब मुझे सिंपल मैं इसे कंस्ट्रेंट करके दिखाता हूँ। मुझे इसकी लेंथ चाहिए, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, डबल क्लिक करूंगा, वैल्यू चेंज। अब दूसरी चाहिए मुझे हाइट, डबल क्लिक किया, हाइट, ये हाइट आई। सिर्फ मैंने ये दो डायमेंशन दी और इसे कंस्ट्रेंट कर दिया क्योंकि मैंने सेंटर पॉइंट से बनाया था, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो हमने यहाँ से, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर इसे हटा देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं आएंगे लाइक ये। मैं इसे कैसे भी मूव कर सकता हूँ, तो ये हमारे लिए बेस्ट है कि हम इन्हें रखें, नहीं तो हमें बाद में वो खुद ब खुद देने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे पहले मैंने सेंटर से लिया था, मैं कहीं और बना रहा हूँ, राइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आ गए। अब मुझे मैं कंस्ट्रेन करता हूँ इसे, लाइक इसे 200 दे देता हूँ। अब देखते हैं हमें इसे कितनी डायमेंशन लगती हैं कंस्ट्रेन होने में, 150। अभी भी ये ग्रीन नहीं हुआ, वाइट में है, अभी भी कंस्ट्रेंट नहीं। मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये मूव कर रहा है, तो मुझे कंस्ट्रेंट करने के लिए ओरिजिन से इसे या फिर कहीं से भी, लाइक इस पॉइंट से मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 120। अब ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, अब ये सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, अभी भी फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हमें ये डायरेक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहां से दे देता हूं इसे डायमेंशन, यहां पे क्लिक करके यहां पे, और ये डायमेंशन दे देता हूं मैं 60। अब आप देखोगे ये ग्रीन हो गया है, ये जो पार्ट है आपका, ये जो स्केच है, ये फुली कंस्ट्रेंट है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फुली कंस्ट्रेंट, अंडर कंस्ट्रेंट, ओवर कंस्ट्रेंट दिखाता हूँ। अब मैं एक और डायमेंशन यहाँ पे दे देता हूँ, देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये ओवर कंस्ट्रेंट हो गया है, इस डायमेंशन की जरूरत नहीं है हमें। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं दिए, मतलब वो वहाँ पे टॉगल नहीं ऑन रखा होता, वो कैसे भी मूव कर सकता, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये देखो ये एक्टिवेट हो गया, पहले एक्टिव नहीं था ना, ये देखो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें शो कर देगा यहाँ पे कि क्या क्या हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेंथ, फिक्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या चाहिए, वर्टिकल, तो हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक ये अप्लाई नहीं होगा, तो ओके करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे अब जैसे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हम हॉरिजॉन्टल करके क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। लाइक अब मैं इसे लेता हूँ, एक एक्सिस बनाता हूँ। वैसे तो ये जब भी आप लाइन के जहाँ पे भी सेंटर में जाओगे, अभी देखो इसका ऊपर वो आ रहा है ना, जैसे ही सेंटर में पहुंचोगे ये पॉइंट चेंज हो जाएगा इसका, ये सेंटर उठा रहा है, तो मैं अगर लाइन लगाऊं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से आएगी। बट मैं एक और बताता हूँ, अगर कभी आपको सेंटर ना मिल रहा हो तो सिंपल आपको ये सिलेक्ट करना है, सेकेंड, और ये थर्ड सेलेक्ट करना है। अब इस कंस्ट्रेंट में जाना है, जैसे जाओगे तो यहाँ पे बताएगा सिमेट्री, जैसे सिमेट्री पे क्लिक करोगे तो ये सेंटर उठा लेगा, मतलब जितना आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे या कुछ भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, सिमेट्री में आ जाएगा। जैसे यहाँ से बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिकली, अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बढ़ाओगे तो ये भी उतना ही बढ़ेगा, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ओके, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, ओरिएंटेड में सिंपल आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे आपको इसके ओरिएंटेशन चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर आपको लेंथ आएगी, राइट।
ये एंगल आप कैसे भी कर सकते हो। स्किप दबा रहा हूँ, दोबारा से उसे दिखाता हूँ। अब मुझे चाहिए इसका एंगल यहाँ से, लाइक मुझे चाहिए 45 पे चाहिए, ये 45 पे हो गया और ऐसे कर दूँगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ ये कंस्ट्रेंट हुआ है, बाकी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपल इसे आपको दिखाने के लिए पहले से यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका एंगल दे देता हूँ 45 चाहिए था हमें, डबल क्लिक करके 45। अब आप इसकी लेंथ जितना चाहो उतना कर सकते हो, 21 में लेंथ चाहिएगी और इसमें ये वाला ये दो मोशन है, अभी तो उसे कंस्ट्रेंट कर सकते हो आप। हाँ, अब मैंने ये डायमेंशन कैसे दी तो मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, सिंपल क्लिक करना है और आपको जहाँ पे जो डायमेंशन चाहिए, लाइक मुझे एंगल चाहिए तो एंगल के लिए मुझे ये और ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये एंगल उठा लेगा राइट। और मुझे ये डिस्टेंस देना है तो मैं सिंपल यहाँ से इसको उठा के दे सकता हूँ, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा पहले, फिर इस लाइन को वो सिलेक्ट नहीं, इस लाइन को और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसे दे सकते हैं। ये होगा ओरिएंटेड, ठीक है, बाकी नॉर्मल ही है, इतने यूज नहीं होते। एलोंगेटेड होल बता देता हूँ आपको, तो इसको मैं यहाँ से मुझे 2.6 होंगे और उसके बाद उसका रेडियस बोल सकते हो आप या साइड का कुछ भी लेंथ बोल सकते हो इसका। ये ऐसे दिखाता है, ये लेंथ दिखाता है। आपको इसको डिलीट करके इसका रेडियस भी दे सकते हो राइट, ये डिस्टेंस आएगा। और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कोइंसिडेंट। अभी ये फुली कंस्ट्रेंट नहीं है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे और इसे हॉरिजॉन्टल कर दो और ये आपका फुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड करके अंडू हो जाते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैंने ये यहाँ पे कैसे कोइंसिडेंट किया, तो सिंपल यहाँ पे जाके ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके, माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास कोइंसिडेंट जो जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होंगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। अलाउ सिमेट्री लाइन के लिए बोल रहा है ये, हमें चाहिए कोइंसिडेंट, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा राइट, और एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट हो गए, ये टॉगल आपका ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे आपके पास ये आ गया है, जैसे क्लिक करोगे चला जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है राइट, अब आपके पास आता है सर्कल। सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाता भी है, सिलेक्ट पॉइंट और क्लिक टू डिफाइन द सर्कल सेंटर। तो यहाँ पे आपको ये बताता भी रहता है कि क्या चाहिए। तो अगर आप वांट टू कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे देख सकते हो, सेंटर सेलेक्ट किया, अब आपको कितना रेडियस चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हो रेडियस की। सिंपली मुझे 50 रेडियस चाहिए, ये 50 का हो गया राइट। जूम इन करोगे, हाँ जूम इन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये पैन रोटेट का बताया था, ये था पैन।
जोन फिट टू ऑल, यहाँ पे आपका आ गया रेडियस। आपको यहाँ पे रेडियस नहीं चाहिए, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे डाया, तो ये डाया में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास डाया में वैल्यू है तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके कितना डाया है, 90 डाया है, 90 में क्लिक कर देना। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल सर्कल। सर्कल के अंदर आपके पास क्या आता है, थ्री पॉइंट सर्कल। थ्री पॉइंट सर्कल मीन्स आपको इसके लिए तीन पॉइंट चाहिए। यहाँ पे देखो, क्लिक और सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सिंपल यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये स्टार्ट पॉइंट है। अब ये मुझे सेकंड पॉइंट यहाँ पे चाहिए, ये आपका सर्कल बन गया। कैसा चाहिए आपको, अब तीसरा पॉइंट जहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंगली ये सर्कल बनेगा। मुझे तीसरा पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ पे बन गया। सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसको भी सिंपली वैसे ही कंस्ट्रेन कर सकते हो आप। एक इसका डाया या रेडियस दोगे और ओरिजिन या कहीं से इसके सेंटर को कंस्ट्रेन करोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन दोगे या कॉन्सिडेंट करोगे एक्सिस पे, सिंपली वो हो जाएगा। थ्री पॉइंट आपको, ओके मैं कैसे समझाता हूँ, अब ये हमारे पास तीन पॉइंट हो गए, उसके अकॉर्डिंगली एक सर्कल बनाना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसको टच करके ये सर्कल बना देगा। तो ये कहीं यहाँ पे यूज हो सकता है। अब आता है एक ट्राई टेंजेंट सर्कल, ओके, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टेंजेंसी। टेंजेंसी कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट टेंजेंसी चाहिए मुझे यहाँ पे। अब सेकंड टेंजेंसी कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ पे। थर्ड टेंजेंसी कहाँ चाहिए, यहाँ पे। टेंजेंसी पे सर्कल बना देगा, सिंपल। आपको तीन टेंजेंसी अगर सिलेक्ट करोगे तब ये सर्कल बन जाएगा। तो ये जहाँ पे भी उठाएगा उस अकॉर्डिंगली शेप इसकी चेंज हो जाएगी। डाया मतलब शेप तो सर्कल ही रहेगा, ये टायर चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपके पास थ्री पॉइंट आर्क। इसके लिए भी आपको तीन पॉइंट चाहिए, जैसे एक, दो और तीसरा पॉइंट आपको कैसे चाहिए। तो ये आपकी आर्क बन गई। ठीक है, अगला भी सेम है, थ्री पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लेंथ। ठीक है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड यहाँ पे रहेगा कि आपको कैसी शेप चाहिए। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस था दूसरे वाले में बताता हूँ। हाँ, इसमें हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, दूसरा यहाँ कर रहे थे, तीसरे में फिर ये कंट्रोल करेंगे हम। पर यहाँ पे इसमें हम सेंटर से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये सेंटर वाला। इसमें लास्ट पॉइंट कॉर्नर, ये लास्ट वाली लिमिट पे आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कल वाला, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ये हमारी लाइन है, ये इनफिनिट लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल में चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हो, वर्टिकल में चाहिए, जैसे भी चाहिए आपको, किसी भी एंगल पे। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट। और इसे कंस्ट्रक्शन में कभी भी स्केच पे एक्स्ट्रा लाइंस को सॉलिड नहीं रखना, उन्हें कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देना है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से होगा वो चेंज। अच्छा, बता देता हूँ, जैसे ये स्केचर टूल में ये है हमारा कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट।
अगर स्केच में आप किस लाइन का कोई यूज नहीं, मतलब यूज है बट स्केच में फीचर बनाने के लिए जब आप 3D में बना उसका कोई यूज नहीं है, एज ए कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डॉटेड में हो जाएगा, तो वहां से ये कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को बनाने का तरीका सिंपल, कहाँ पे पॉइंट चाहिए चाहिए इसे कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको सिंपल डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली ये यूज होते हैं। एक और चीज बताता हूँ आपको, अभी देखो आपने कंस्ट्रक्शन वाला टॉगल ऑन है, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन में चेंज हो रहा है, सिंपल क्लिक करोगे नॉर्मल में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चाहिए एक फिलेट चाहिए, ऑपरेशन में जाओगे कॉर्नर क्लिक करोगे कितना रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली टाइप भी कर सकते हो और बाद में भी दे सकते हो, तो यहाँ पे बाद में 25 चाहिए, 25 ठीक, ये आ गया कॉर्नर। अब आएगा आपके पास चैम्फर, सेलेक्ट करके आपको कितना चाहिए एंगल, एंगल और लेंथ, लेंथ लेंथ ठीक है, एंगल और फर्स्ट लेंथ, तो मोस्टली ये यूज करते हैं एंगल और लेंथ, 45 हमारा रहता है, लेंथ जितनी चाहिए आपको वो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लाइक आपने ये चीज बना ली है और सेम आपको दूसरी तरफ चाहिए लाइन के या एक्सिस के कहीं भी दूसरी तरफ सेम चीज चाहिए, तो आपको उसके लिए कमांड आती है मिरर, ठीक है, या तो आप पहले सिलेक्ट कर लो जो जो आपको दूसरी तरफ चाहिए, यहाँ पे जाओगे और उसके लिए आपको एक सेंटर एक्सिस लाइन पॉइंट कुछ भी लाइन एक्सिस कुछ भी प्लेन जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ये मिरर बना देगा, रेप्लिका बना देगा, जो जब यहाँ पे चेंज करोगे वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट।